नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद के अटौलिया क्षेत्र में दबंगों का कहर जारी है। अभी दो दिन पहले एक होटल में उधार के पैसे को लेकर दबंग जहां होटल में आग लगा दी, वहीं बीती शाम करीब 7 बजे चना और पानी पूरी बेचने वाले दुकानदार के साथ दबंगों द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट की गई और उसके ठेले को पलटकर सामान का भी नुकसान कर दिया गया। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा यह भी धमकी दी गई कि अगर यहाँ दुकान लगानी है तो हमें फ्री में खिलाना पड़ेगा, यह हमारा एरिया है। यह पूरी घटना अतरौलिया में शांति चौक पर घटित हुई। बता दें कि दुकानदारों द्वारा दबंग का हाथ जोड़कर अपील की गई कि वे सामान का नुकसान न करें, लेकिन दबंग दुकानदार की बातों को अनसुना करते हुए उसके साथ मारपीट करते रहे। दुकानदार किस तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। पीड़ित राहुल गुप्ता व शुभम गुप्ता निवासी अतरौलिया बाजार के थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना की सूचना मिलते ही अतरौलिया व्यापार मंडल आक्रोशित हो उठा है और रात लगभग 8:30 बजे पीड़ित व्यापारियों को लेकर अतरौलिया थाने पहुँच कर अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह से मुलाकात कर घटना से अवगत कराया गया, जिस पर प्रवीण सिंह द्वारा तहरीर लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। अतरौलिया व्यापार मंडल ने कहा कि अगर पुलिस द्वारा न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। अतरौलिया ये शांति चौक पे दाऊद एक नाम है, वो हमको हमेशा परेशान करता है, उल्की खाता है, नकली नोट देता है, बदतमीजी से बातें करता है और आज बहुत नुकसान कर दिया हमारा। हम भाग रहे थे, इसका ठेला पलटा, मैं इसको बचाने चक्कर में भाग रहा था तो मैं ठेला छोड़ के भागा, व्यापार संगठन में लिख के डाला। भैया हमारी दुकान है, तुम्हारी हमारी पुलकी की दुकान है, ये देखिए साहब दो पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, रोज हमको शाम को रोज हमको परेशान करता है और हमारा बहुत पैसा ले, आज भी पुलकी खाया है और पैसा नहीं दिया। पैसा मांगे तो क्या बोला? पैसा मांगे तो यही फाड़ा फोड़ा, ये तार और सर तोड़ा सब, मैं इसको जोड़ जाड़ के इसको बचाने के लिए तुरंत मैं तुमको कोई हाथ उठाया मारा और इसको हाथ उठाया मैं बचा, मैं वहां से भाग निकला। क्या हुआ थाने पर, क्या हुआ ठेला वाला लेके आया, क्या बात है? वही 10 रुपया चना बनाए थे, खाया, उसके बाद शरीर पी के फेंका मेरे सामने। कौन खाया? दाऊद। दाऊद क्या रोज खाता था, हमेशा खाता था? नहीं आज भाई। अच्छा, पैसा मांग रहे थे, क्या बोला वो? बोला कोई किसी बोला लो, मुझे डर नहीं है। हाँ। क्या तुम्हें मारा पीटा भी? हाँ। और क्या किया? और ठेला कुल तोड़ा, उठा के फेंक दिया। कुछ पैसे उसे भी ले गया क्या तुम्हें? हाँ। कितना ले गया? कोई 2000 कितना था ये नहीं मान। बिक्री का? हाँ बिक्री का। बिक्री का पैसा सब ले गया? हाँ। तुम्हारे साथ भी कुछ? हाँ जी हमारे साथ। चोट लगी है तुम्हें? बस यही लगी है और कहीं नहीं। किस चीज से मारा है? यही जेब में से उठा, कौन चीज से मार, लोहा बोलता है। अच्छा, जेब से निकाल कर? हाँ। आज थाने पर प्रार्थना पत्र दियो? हाँ। हमारे दो व्यापारी हैं जो बेचारे ठेला और ठेले के माध्यम से वो अपना एक फुल्की और भुजा बेच करके एक पढ़ाई करता है, एक अपने परिवार का जीवोपार्जन करता है। कोई दाऊद नाम का एक कथित गुंडा जो इन लोगों से 10 रुपए या 20 रुपए का सामान खरीदा, जब ये हमारे छोटे व्यापारी इनसे पैसा मांगने गए तो ये पैसा ना दे करके इनके ठेले का भी नुकसान किया, इनको मारा पीटा। और जैसा कि ये व्यापारी बता रहे हैं कि इनके बिक्री का जो भी 1000-2000 रुपए था वो छीन लिया। इसके संबंध में ये जो है, हम लोग आज आए हैं थाना अध्यक्ष महोदय से, व्यापारी जो पीड़ित व्यापारी की बात है उनको यस्सो के सामने हमने रखे हैं। यस्सो ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं उसको गिरफ्तार करवाता हूँ। जैसा कि कई बार से ये सुनने में आ रहा है कि ये कई व्यापारियों को काफी दिनों से परेशान करता है, हम व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी अतरौलिया थाने पर आकर के यस्सो से बात किए हैं, हमें यस्सो से आश्वासन मिला है अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो अतरौलिया व्यापार मंडल इस पे आंदोलन करेगा, निश्चित रूप से ये व्यापारियों की प्रताड़ना है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।